कॉन्सेप्ट रिवाइज कराया जाएगा, उनको इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल आरटीपी और पीवाईक्यू के क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, जो कि मैं कुछ क्वेश्चंस बच्चों के साथ में हाथ से सॉल्व भी कराऊंगा। पहली बार ऐसा मोमेंट उन्हें मिलता है जहां पर वो टीचर के साथ पर्सनली कनेक्ट होते हैं। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे। बच्चों मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज बच्चों हम गोट फैकल्टी के साथ है, दैट इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, नितिन सर, जो आपको अकाउंट्स पढ़ाने आ रहे हैं सीए फाउंडेशन में, आने वाले फ्यूचर बैचेस में भी, और जो फेस टू फेस मैराथन दिल्ली में होने वाला है वहां पर भी सर अकाउंट्स पढ़ाने वाले हैं। और सर के कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके 90 प्लस मार्क्स आए हैं, और यही उनको क्या बनाती है, बेस्ट बनाती है, क्योंकि उनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी एकदम जैम है। तो नितिन सर हाय। हेलो सर, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। सो आज मैं और गुरप्रीत सर आप लोगों के साथ में डिस्कशन करने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू दी फेस टू फेस मैराथन जो बच्चों का होने जा रहा है दिल्ली में कुछ ही दिनों के जस्ट बाद, एंड ये सारे उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम फाउंडेशन का है दिसंबर 2023 में। तो सर बच्चों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे कुछ चीजों को लेके कि मैराथन में कैसे चीजें रहने वाली, हम क्या करेंगे, तो आज सारी उन्हीं चीजों को हम बच्चों के साथ में यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सीए फाउंडेशन के बच्चे सर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस फेस टू फेस फाउंडेशन मैराथन को लेके। तो आज बच्चों जितने भी आपके डाउट्स हैं वो इस वीडियो में आंसर कर दिए जाएंगे। सबसे पहला डाउट जो सर बच्चों का आ रहा था अकाउंट से रिलेटेड, कि आप अकाउंट्स किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं सर फेस टू फेस मैराथन में, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए सर। ये सर तो मेरा बच्चों को ये रहेगा कि सर मैराथन सेशन हम लोगों ने 2 दिन का शेड्यूल किया है। ऑब्वियसली सारा सिलेबस 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता, तो बट आई एम प्लानिंग फॉर द स्टूडेंट्स की एडिक्वेट कवरेज हो जाए बच्चों की, एंड उसके अंदर में जो भी मैं चैप्टर्स उनको डिस्कस कराने वाला हूँ उसके अंदर में उनका कॉन्सेप्ट रिवाइज कराया जाएगा, उनको इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल आरटीपी और पीवाईक्यू के क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, जो कि मैं कुछ क्वेश्चंस बच्चों के साथ में हाथ से सॉल्व भी कराऊंगा ताकि उनकी प्रैक्टिस होगी, और कुछ क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे जो सिमिलर काइंड के क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑडिट कर लेंगे, बट ये रहेगा कि जो चैप्टर्स हम वहां पे कवर करेंगे वो बच्चों के अच्छे तरीके से कवर हो जाए, बढ़िया तरीके से हम लोग अपने पास पढ़ाने वाले बच्चों को। और सर सेम तरीके से मैं पूछना चाहूंगा लॉ में आपकी किस तरीके की स्ट्रेटेजी रहेगी? सर लॉ में सर बच्चे को एक ये प्रॉब्लम आती है कि उसे लर्न कैसे करना है, क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसी प्रॉब्लम को देखते हुए उसका सॉल्यूशन इस मैराथन में दिया जाएगा। हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे नहीं, उसके रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी क्लास में डिस्कस कराए जाएंगे, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस अगर लो है लॉ में तो वो बढ़ जाएगा, एकदम बूस्टअप हो जाएगा इस फेस टू फेस मैराथन में सर। नहीं सर बिल्कुल बढ़िया, और बच्चों के लिए मैराथन ऑब्वियसली बेनिफिशियल होने वाली है। सर मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, बच्चों को हमेशा ये चीज को लेके लगता है कि सर वाई ऑफलाइन मैराथन, तो क्योंकि बच्चा कहता है कि ऑनलाइन भी तो हमारे मैराथन आने वाले टाइम में आएंगे ही, चैनल पर बच्चों के लिए आएंगे, जरूर आएंगे, बट बच्चा ऑफलाइन मैराथन के लिए क्यों आए हम लोगों से मिलने? सर ये जो फेस टू फेस मैराथन होते हैं ना सर, ऑनलाइन तो बच्चा हमसे पूरे बैचेस में भी पढ़ा है पास्ट में, और हमने क्लासेस भी लिए, ऑनलाइन मैराथन्स भी हम लेंगे, लेकिन ये पहली बार ऐसा मोमेंट उन्हें मिलता है जहां पर वो टीचर के साथ पर्सनली कनेक्ट होते हैं, उनका एक पर्सनल टच डेवलप हो पाता है, प्लस उनके जो डाउट्स होते हैं वो अगर फैकल्टी पर्सनली लेता है तो उनका थोड़ा सा जो लो कॉन्फिडेंस होता है वो इंक्रीज हो जाता है, उनको ये नहीं सोचना पड़ता कि यार पूछते हुए कि ये पूछूं नहीं पूछूं, वो वहां पर पूछ सकते हैं, उन्हें हम आधे घंटे का टाइम एंड में देंगे कि भाई अगर कोई डाउट्स है तो लिए जाएंगे, तो वो चीज उनको हेल्प करेगी, प्लस एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में जो कि एक लॉन्ग वे जाती है, तो इसलिए फेस टू फेस मैराथन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और सर बच्चों का ना, यस सर, और बच्चों का सर एक और क्वेश्चन आ रहा था कि बहुत सारे बच्चे जो सीए फाउंडेशन दे रहे हैं इस बारी, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स को ये मैराथन अटेंड करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन चल रहा है, कुछ लोगों का भी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा कुछ बैकलॉग्स हैं वो अभी बैकलॉग्स कर रहे हैं, और कुछ बच्चों ने तो अभी स्टार्ट करना स्टार्ट किया, तो कौन से स्टूडेंट्स को इस फेस टू फेस मैराथन को अटेंड करना चाहिए सर? सर मेरी जब आपसे डिस्कशन हुई थी इस चीज को लेकर हम कैसे बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, तो हम दोनों इसी चीज को लेकर बात करें कि देयर विल बी डिफरेंट सेट ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे हमने बोला कुछ बच्चों की बिल्कुल तैयारी नहीं, कुछ बच्चों की तैयारी हो चुकी है, लेक्चर देख चुके हैं, कुछ बच्चे बीच में है, तो हम दोनों इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों स्ट्रेटेजी रखने वाले हैं कि हम हर कॉन्सेप्ट को बेसिकली बेसिक तरीके से बताएंगे एंड धीरे धीरे उसमें इंक्रीज करते जाएंगे लेवल को और दी क्वेश्चन को, तो कवरेज उस टॉपिक की जो भी कराया जाएगा उसकी पूरी होगी। सो अब कोई भी प्रकार का बच्चा, चाहे उसकी तैयारी कम है चाहे उसने पहले अच्छे से बेसिकली लेक्चर्स लगाए हुए हैं, हर प्रकार का बच्चा हमारे साथ आएगा, जुड़ेगा और अल्टीमेटली उसे यहां से बेनिफिट ही मिलेगा।
तो उसको कहीं ना बिल्कुल कहीं सर, जो वो उस दिन से पहले उसकी नॉलेज लेवल होगी एंड वो मैराथन सेशन लगाने के बाद होगी, उसमें ऑब्वियसली देयर विल बी अ डिफरेंस। तो वो यहाँ पे एक लर्निंग ही हमारे साथ में लेके जाएगा, बी इट इन द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स और बी इट इन द सब्जेक्ट ऑफ लॉ विद योर प्यारे गुरप्रीत सर। बिल्कुल। तो बच्चों यहां पर हमने आपके सारे डाउट्स को आंसर किया है, और इस बार हम मचाने वाले हैं फेस टू फेस मैराथन में। आप एक अलग लेवल देखेंगे अपने फैकल्टीज का, एक अलग एनर्जी लेवल होगा, एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल होगा, और यही कॉन्फिडेंस लेवल आप में भी बिल्ट होगा इन फेस टू फेस मैराथन के थ्रू। तो नितिन सर, लास्ट लाइंस फ्रॉम योर साइड सर सर। बस मैं यही कहूंगा कि तो हमारे साथ सारे के सारे प्यारे बच्चे हमारे जो दिल्ली और उसके आसपास रहते हो, फटाफट से इस मैराथन सेशंस के लिए एनरोल कर लीजिए और हमारे साथ मिलिए और अपनी तैयारी को एक लेवल और आगे लेके जाइए, और दिसंबर 23 के एग्जाम्स को हम अपने पास जरूर क्लियर करेंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम अपने मैराथन सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।